मैंने बताया आपको कि ओलंपिक्स में जो जीत कर अब आएगा बच्चा, उसके लिए 3 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान इसमें किया है। और मैं धन्यवाद दूँ अपने मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने इसको हमें अपना आशीर्वाद दिया। और 2 करोड़ रुपये सिल्वर को और 1 करोड़ रुपये हम ब्रॉन्ज को जो है इसमें देंगे। हमने पिछले दिनों में जो लड़का हमारा ब्रॉन्ज जीत कर आया था उसको भी हमने 1 करोड़ रुपये दिए, और जो पैरालंपिक्स में सिल्वर जीत के आया था उसको भी हमने 1 करोड़ रुपये दिए, जो पहले कभी भी हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ। तो वो हमने एक शुरुआत कर दी है, अब उसको हम लीगलाइज फॉर्म में स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से कैबिनेट से वेट करा कर लाए। देखिए, मैंने विस्तार से आपके सामने पूरी बात रखी है और एक एक कॉपी आप सबको उसकी दी है। इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स को जोड़ा गया है, बहुत डिटेल्ड में जिसको कहते हैं, बड़ा प्रोफेशनली इस पर काम हो रहा है। और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट है जो युवाओं के आगे बढ़ने के संबंध रखता हो उसको हमने टच ना किया। कोई भी ऐसा फैक्टर जिसके माध्यम से एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिले, एक नया प्लेटफॉर्म मिले, और एक साइंटिफिक अप्रोच जो बहुत ज़रूरी है, जैसे फिजियो हमने ऐड किया। फिजियो के बिना कोई भी स्पोर्ट्समैन आज अधूरा है, साइंटिफिक ट्रेनिंग के बिना कोई भी स्पोर्ट्समैन आज अधूरा है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के बिना कोई भी स्पोर्ट्समैन आज अधूरा है। नहीं, जो एक स्पेसिफिक इनपुट्स जो हमारे पास थे कि जहाँ से स्पोर्ट्समैन टेक ऑफ कर सकता, जहाँ से एक लेवल पर तो आ गया, 100 मीटर भाग रहा है, 12.5 सेकंड कर रहा है, 13 सेकंड कर रहा है, पर उसको 9 सेकंड में कैसे लेके आना है? वो जो 2.5-3 सेकंड्स का जो गैप है उसमें साइंटिफिक ट्रेनिंग चाहिए, उसमें साइंटिफिक कोचिंग चाहिए, साइंटिफिक आपको हर चीज़ को जो है प्लान करना पड़ेगा। उसके लिए सेटअप्स हिमाचल में तैयार हों, ज़िला वाइज तैयार हों। पहले तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ये बताए कि जो पहले सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा कि हम खेल नीति लेके आएंगे, तो वो 4 सालों तक क्यों नहीं आए? अब कारण क्या है कि अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो इनको नए नए शुरू पे नज़र आएंगे, अब खेल नीति लाना चाहेंगे तो लोगों को भ्रमित करने के लिए लाना चाहेंगे। खेल नीति मैंने भी बनाई थी जब मैं हिमाचल प्रदेश का, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, तो खेल नीति मैंने भी बनाई थी, जिसको साई ने भी सराहा था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सराहा था। और हमने जो खेल नीति में कुछ किया था वो बाकायदा तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की नहीं थी उस टाइम जो है ना, उन्होंने भी उसको सराहा और उनको कहा कि नहीं ये अच्छा है। उनको बुरा लगा क्योंकि उनको जो है वो एक क्रिकेट नज़र आता था, क्रिकेट को और क्रिकेट के प्रेसिडेंट को बचाने के लिए ये सारा कुछ हुआ था। आज मैं कहना चाहूँगा, अगर आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नई स्पोर्ट्स नीति लाना चाह रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर लोगों में इस चीज़ को जो है वो लोगों में लेके जाना चाहिए, नौजवानों में लेके जाना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स नीति है क्या, ये क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओलंपिक जो लेके आएगा उसको इतना पैसा हम बढ़ा के दे देंगे। लाएगा कोई हिमाचल प्रदेश तब है ना, एशियाड में कोई मेडल लेके आ जाएगा तो उसको इतना पैसा देंगे। मैं कहना चाहूँगा, पहले तो नौजवानों को जो है वो एशियाड में और ओलंपिक में मेडल लेने के काबिल बनाओ पहले उसमें, तब तो बात माने। और अगर मान लो अंतिम साल में अब तुम वाइंड अप कर रहे हो, वाइंड अप करते करते तुम्हारे को खेल नीति अगर नज़र आ रही है, ये मैं कहूँगा ये भ्रमित करने वाली है और नौजवानों को बाकायदा तौर पे जो है वो बहकाने के लिए कि हमने इतनी खेल नीति बना दी जिसका कोई मतलब नहीं है। बाकायदा तौर पे खेल को जो है बढ़ावा देने के लिए और कार्यक्रम है जो कार्यक्रम चलने चाहिए, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं चल पा रहे।